तो मेरी विनती रहेगी आप एक घंटे के लिए सिर्फ कथा सुनेंगे। तो गरुड़ महापुराण जी जिनके निमित्त तो श्री प्रकाश चंद जी सिंगला बहुत अच्छे सिंगला जाना माना हमारा परिवार ये हमारी घट में गाजीबाद से आकर के स्थापित हुए जाना माना ये जो है सिंगला परिवार है। परिचय करवाने की आवश्यकता भी नहीं है इतनी। तो प्रकाश चंद जी कुछ समय पहले ही 24 तारीख की रात्रि के समय 11 बजे ठीक उन्होंने प्राण छोड़े। 25 तारीख को संस्कार हुआ और उनके निमित्त गरुड़ महापुराण जी का पाठ भोग घर में रखा गया। उसी को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि देने के लिए आप सब दोस्त मिष्ट रिश्तेदार माताएं बहने यहाँ आई हैं। तो फिर दोबारा मेरी विनती रहेगी आप एक घंटा भर कथा सुनोगे भगवान जी की, थोड़ा ध्यान भगवान की तरफ लगा करके। तो गरुड़ महापुराण जी हमारे थोड़े से आज ग्रंथों के बारे में ही तकरीबन हमको ये नहीं पता कि कितने हमारे यहाँ पुराण हैं, कौन से ग्रंथ हैं हमारे, कौन कौन से ग्रंथों का महात्म क्या है, थोड़ा सा यदि हम जान लेंगे क्योंकि ये हमारी संस्कृति लोप होती जा रही है। बुरा लगता है जब बच्चों को गान भेज नहीं सका, उसी समय जब ध्यान आया तो भोजन पकवान सुंदर सुंदर भोजन लिया पकवान लिया ग्वाले के पास में जाकर कहा कि ग्वाले मेरे को माफ करना आज मैं तेरे पास जो है भोजन लेकर के लिया मेरे को माफ कर दो। ग्वाले का आप कैसी बात करें, आपका सेवक तो मेरे को दोपहर को भोजन दे करके गया और वो देखो जल्दबाजी में था, जल्दबाजी में उसने अपना ये जो कपड़ा है वो कपड़ा भी मेरे पास उसका छूट गया। वो स्वामी जी महाराज ने जो ही उस कपड़े को देखा बस देखता रह गया क्योंकि जिसमें भगवान जी का आज उन्होंने स्नान करवाया भगवान जी को वस्त्र पहनाया खुद अपने हाथ से भगवान जी को दुपट्टा उन्होंने चढ़ाया था वही दुपट्टा। बात है संत महाराज को इनको उपाय बता देंगे कि मेरी आठवीं पीढ़ी भूखी ना मरे ऐसी धन दौलत और मेरे पास धन दौलत आ जावे। तो चलो संत महाराज जी के पास गए, संत महाराज जी को सारी बात बताई। संत महाराज जी भाव को समझ गए कि इसको तृष्णा लगी है और ये तृष्णा न जीर्णा वही में जीर्णा तृष्णाएं तो बूढ़ी होंगी नहीं, इंसान बूढ़ा हो जाता है। समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अब कहने लगा भाई ये तो छोटा सा उपाय है, बड़ी बात नहीं है, छोटा सा काम करना पड़ेगा। बोलो महाराज क्या करना, मैं तो बड़े से बड़ा करने को तैयार हूँ, बस धन आ जाए, धन ही धन हो बस मेरे पास। कहने लगा भाई बड़ी अच्छी बात है, तो छोटा सा उपाय करना पड़ेगा, ऐसा कर आपके ये गाँव के अंदर ही बाहर एक झोंपड़ी बनाकर बूढ़ी माता रहती है, आप उसी बूढ़ी माता के पास चले जाओ और उस बूढ़ी माता के पास में जाकर के उसको आप एक वक्त जो भोजन आधा किलो के करीब आटा उसको लगता है आधा किलो आटा फूल की डाली देखी। प्रेम शैतान को भी इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। ये विश्वास ही है ना आपका, पत्थर में भी भगवान नजर आता है और किसी को भगवान में भी पत्थर नजर आने लगता है। प्रेम की बात है प्रेम माता। एक बार क्या हुआ, तीन साधु किसी के यहाँ पर आए, तीन साधु यहाँ कहने लगे भाई हम तीन साधु हैं लेकिन हम घर में एक के ही एक ही रहता है, हम तीन किसी के घर में इकट्ठे नहीं रहते। आप में से जो हम तीनों में से एक को आप किसी घर में भोजन कराना चाहते। दो बेटे उनके आगे चले गए। माता जी देखो हर एक माता की गुजर की पिता की इच्छा होती है कि उसका बेटा उसकी अर्थी को कंधा दे करके लेके जाए, लेकिन उसी माता को जब दो दो बेटों की अर्थी अपनी आंखों से देखनी पड़े तो उस माँ के ऊपर बीत क्या रही होती है बची सकती है। लेकिन ये संसार कर्म भोग है, कर्म भूमि बताया मेरे भाई सब। मातृशक्ति भाई और बहनों अज असी सिंगला जी नूं
ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਵਕਤੀ 67 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਮਦਨ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ੈਲਰ ਕਮੇ ਭਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਰੀਜਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਕਾਰ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ SJIN ਸਭਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੋਕ ਮਤ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਜੈਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜੈਨ ਧਰਮ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੱਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਮੰਗਲ ਪੂਰਣਿਕਾਕਸ਼ ਮੰਗਲ ਯਤਨੋ ਹਰਿ ਹਰਿ ਓਮ ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਹਰੇ ਸਵਾਮੀ ਜੈ ਦੀਨਾਨਾਥ ਹਰੇ ਭਗਤ ਜਨੋ ਕੇ ਸੰਕਟ ਦਾਸ ਜਨੋ ਕੇ ਅਭਿਮਨ ਬੰਸੀ ਵਲ ਦੂਰ ਕਰੇ ਓਮ ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਹਰੇ ਜੋ ਧਿਆਵੇ ਫਲ ਪਾਵੇ ਦੁਖ ਵਿਨਸੇ ਮਨ ਕਹੋ ਸਵਾਮੀ ਦੁਖ ਵਿਨਸੇ ਮਨ ਕਹੋ ਸੁਖ ਸੰਪਤੀ ਘਰ ਆਵੇ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਘਰ ਆਵੇ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟੇ ਤਨ ਕਹੋ ਓਮ ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਹਰੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤੁਮ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਨ ਰਹੋ ਕਿਸ ਕੀ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਨ ਬਣੋ ਕਿਸ ਕੀ ਤੁਮ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੀ ਓਮ ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਹਰੇ ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮ ਤੁਮ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਵਾਮੀ ਤੁਮ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਪਾਰਿਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਰਿਬ੍ਰਹਮ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਤੁਮ ਸਭ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਓਮ ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਹਰੇ ਤੁਮ ਕਰੁਣਾ ਕੇ ਸਾਗਰ
तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी दुष्ट सख त्वमेव ममैव विद्या विवरणं त्वमेव ममैव सर्वं मम देव देव गर्भोरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रभारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओमनादि विष्णो देव शङ्ख चक्र गदाधर अक्षय कुण्डिकाक्ष जीवमोक्ष वरदो भव देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभिः च नमः स्वाहायै श्रद्धायै नित्यमेव नमो नमः। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनां मधुनाभं श्रेष्ठं विश्वाधारं गगनसदृशं एकवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं ऊंच नीच को तारा तुमने कृपा सिंधु मुरारी शरण पड़े की लज्जा राखो शावरी गिरधारी शरण पड़े की लाज है तुम राखो जगदीश दोनों भुजा पसार कर धरो चरण में शीश। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गरुड़ जी की शांति। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 24 ਸਤੰਬਰ 1949 ਮਾਤਾ ਲੀਲਾਵਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 24 ਫਰਵਰੀ 1976 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਜੋਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਧੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ।
ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਫਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 25 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, 2 ਧੀਆਂ 2 ਜਵਾਈ, 1 ਪੁੱਤਰ 1 ਨੂੰਹ, 3 ਦੋਹਤੇ 2 ਧੀਆਂ 1 ਪੋਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ TV ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਵੈਣ ਕਲੱਬ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਰੋਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਾਮ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਫੁੱਲ ਆ ਰਹੇ ਕਿ
ਮਿੰਦਰ ਮਿੰਦਰ ਉਹ ਮਿੰਦਰ ਆ ਬੋਲਦੇ ਫਲਾਫੇ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ
ਕੌਣ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਕੋਲ पंडगलेशनाशाय श्री गोविंदाय नमः।
नारायणं नमस्कृत्य नरमचैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सच्चिदानन्द भगवान् की जय श्री गरुड़ जी महाराज की जय। तो बंधु सबसे पहले विनती है परिवार की तरफ से आए हुए सब दोस्त मित्र रिश्तेदार कि जिन्होंने भोजन नहीं किया हो तो कृपा करके भोजन कर लें और जिन्होंने भोजन कर लिया हो तो सामने जो खड़े हैं जिसकी एक दो की जिम्मेवारी है भोजन वगैरह के लिए वो खड़े रहेंगे नहीं बाकी सब के सब शोक सभा में आकर विराजमान होंगे। माताओं से विनती है माताएं सब आगे की ओर मुँह कर लेंगी माताएं सब कथा सुने आगे की ओर मुँह कर करके कथा सुने माताएं सब और अब कोई भी भाई जहाँ तक जो सामने है बिल्कुल वो सामने सब आकर के विराजमान होंगे कथा सुनेंगे। ये सामने सारे के सारे जितने माताएं भी खड़ी हैं भाई लोग भी खड़े हैं तो कृपा करके कोई आपस में बातें भी ना करो और कृपा करके बैठ करके कथा भी उसी को देखो ही ना बस आपको सिर्फ कथा नजर आवे आपको सिर्फ गरुड़ प्राण नजर आवे आपके सिर्फ सामने मूर्ति फोटो नजर आवे एक घंटे के लिए सिर्फ आपको भगवान ही नजर आने चाहिए। एक घंटे के लिए मेरी सबसे विनती होगी एक घंटा सिर्फ मात्र आप कथा को दोगे एक घंटा सिर्फ भगवान को दोगे। बड़े अचंभे की बात है बड़ी आश्चर्य की बात है संसार में काम करते वक्त नहीं कहना पड़ता कि आप संसार को 23 घंटे दे दो लेकिन एक घंटा भगवान के कुछ लोग क्यों आए हैं क्यों जन्म हुआ कहेंगे महाराज बस भजन जप करने के लिए आई लेकिन कब कर रहे हो ये कर कब रहे हो तो बता दो आए तो उसके लिए लेकिन कब कर रहे हो उसको भाई। एक जगह लिखा हुआ था कहीं ना एक बार डॉक्टर के यहाँ लिखा हुआ था गुरु भगवान की कथा सुनो तो मेरी विनती रहेगी आप एक घंटे के लिए सिर्फ कथा सुनेंगे तो गुरु महापुराण जी जिनके निमित्त श्री प्रकाश चंद जी सिंगला बहुत अच्छे सिंगला जाना माना हमारा परिवार ये वानीगढ़ में गाजीबाद से आकर के स्थापित हुए जाना माना ये जो है सिंगला परिवार है परिचय करवाने की आवश्यकता भी नहीं है इतनी। तो प्रकाश चंद जी कुछ समय पहले ही 24 तारीख की रात्रि के समय 11 बजे ठीक उन्होंने प्राण छोड़े 25 तारीख को संस्कार हुआ और उनके निमित्त गरुड़ महापुराण जी का पाठ भोग घर में रखा गया उसी को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि देने के लिए आप सब दो तमिष्ठ रिश्तेदार माताएं बहनें यहाँ आई हैं। तो फिर दोबारा मेरी विनती रहेगी आप एक घंटा भर कथा सुनोगे भगवान जी की थोड़ा ध्यान भगवान की तरफ लगा करके तो गरुड़ महापुराण जी हमारे थोड़े से आज ग्रंथों के बारे में ही तकरीबन हमको ये नहीं पता कि कितने हमारे यहाँ पुराण हैं कौन से ग्रंथ हैं हमारे कौन कौन से ग्रंथों का महात्म क्या है थोड़ा सा यदि हम जान लेंगे क्योंकि ये हमारी संस्कृति लोप होती जा रही है। बुरा लगता है जब बच्चों को गाना आ जाए तो बता देंगे कि फलाने एक्टर का गाया हुआ गाना है लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे बच्चों को आज हमारे संस्कारों के बारे में नहीं पता रामायण क्या है रामायण के प्रसंग किसका है जिम्मेवारी किसकी बनती है इसमें बच्चों का भी कसूर मैं नहीं बताऊंगा कि बच्चों का कसूर हो। बच्चे दो दो घंटे मोबाइल को दे सकते हैं लेकिन वही बच्चे 10-5 मिनट हम बच्चों को माँ बाप बच्चों के लिए भी हम समय नहीं दे सकते कम से कम ज्यादा नहीं शाम का समय जिसमें आप दिन भर काम करो कोई बात नहीं काम करने के लिए परमात्मा ने भेजा कर्म क्योंकि तीसरे अध्याय में खुद भगवान जी कहते हैं कि करने वाले का रिश्ते माँ पर निश्चय करम करो लेकिन फल की आशा ना करो फल तो मैंने देना जो कुछ भी देना
तो काम करो ये तो बताया गया है, काम तो करो, लेकिन थोड़ा बहुत जितना हो सके आप बच्चों को भी समय जरूर देना, ध्यान रखना इस बात का। आज बच्चों को आप सब कुछ दे देते हो, महंगी सी महंगा मोबाइल दिला देते हो, महंगी सी महंगा मोटरसाइकिल बच्चों को दे रहे हो, लेकिन अपने समय आप बच्चों को नहीं दे रहे हो जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है बच्चों को। बच्चों के पास 10-5 मिनट बैठो, नहीं तो बच्चे आजकल क्या करिए, टेलीविजन के साथ बिजी होंगे या मोबाइल के साथ बिजी होंगे, माँ बाप का तो पता ही नहीं कि माँ बाप के पास भी बैठे हैं कि नहीं बच्चे। जब माँ बाप की देख रेख होगी, माँ बाप के पास में बच्चे बैठे होंगे, संस्कारी बच्चे वही बनते हैं। तो माँ बाप का भी कर्तव्य है बच्चों को थोड़ा धार्मिक तो बनावे। थोड़ी बहुत बातें हमारे धर्म के बारे में बतावे, रामायण के बारे में, कि बेटा रामायण के अंदर रामचंद्र महाराज जी हुए, सीता के साथ विवाह हुआ, भगवान जी का अवतार लेकर के रामचंद्र जी आए, ऐसे जो जो भी हमारे रामायण के अंदर प्रसंग है, थोड़े बहुत उन प्रसंगों के बारे में बच्चों को भी पता होना चाहिए हमारे जो बच्चे। दूसरा गीता के बारे में बताना चाहिए कि गीता जो है कुरुक्षेत्र के अंदर जिस समय मोह से कृष्ण अर्जुन थे, उस समय भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन का मोह का नाश करने के लिए गीता को सुनाया। मुख्य मुख्य बातें बता दो, पूरा तो कौन कहता है पूरा सुनाओ, कम से कम कुछ पता होना चाहिए गीता क्या है, रामायण क्या है। तो हमारे मैं बात कर रहा था गरुड़ महापुराण जी 16 पुराण में, 16 पुराणों में से गरुड़ महापुराण जी जो मृतक कर्म के लिए दिए जाते हैं, पहले भी बताया जा चुका है कई बार, जो ये मृतक कर्म के लिए गरुड़ प्राण क्यों, क्योंकि इसमें जीवन में आने से पहले जीवन क्या था, कहाँ से आया, या आने के बाद उसने कर्म क्या करने चाहिए, यहाँ आने के बाद कर्म करने के बाद वो जीव जाता है तो कहाँ जाता है। अब ये सोचने की बात है, जीव आया कुछ न रहा यहाँ से चला गया, तो ये सब खेल किसका है। ये जैसे आपने कभी कोई नाटक वगैरह देखा होगा, पहले कठपुतलियां होती थी, ऊपर आदमी एक बैठा है, वो आदमी ऊपर बैठा बैठा क्या कर रहा है, उसके हाथ में रस्सी डोरी है और वो डोरी के द्वारा सारी कठपुतलियों को नचा रहा है। नाचने वाले को जैसा ऊपर वाले के हाथ में रस्सी है, जैसे जैसे उनसे नटमंच करवाता रहेगा, वो नाचती रहेगी, देखती रहेगी, करती रहेगी सारा कुछ। तो वो ऊपर वाला जैसे जैसे खेल खिलाता रहता है, वैसे वैसे कठपुतलियों को करना ही पड़ता है। तो ठीक उसी तरह ये परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद बार ब्रह्म परमात्मा जो हैं, वो जो है हमको यहाँ पर संसार के अंदर कर्म भोग भोगने के लिए भेजते हैं, उसके बाद में उस समय जीव यहाँ अपने अपने कर्म भोग भोगते हैं, संबंधों के द्वारा जीव आया और यहाँ के बाद संबंध पूरे होते हैं तो चला जाए। खेल किसका है, सिर्फ मात्र मृत्यु होती है तो केवल मात्र शरीर की मौत होती है, शरीर की मौत होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। गीता को ध्यान से सुना होना, गीता के तीसरे अध्याय दूसरे अध्याय को कभी अच्छे से ध्यान से पढ़ना, गीता के दूसरे अध्याय में आया वानसान से जीना यथा विहाय नरो गृहणाति प्राणी तथा शरीराणि विहाय संयाति अज्ञानी नवानी देवी। तो शरीर रूप चोला लेकर के आई है हमारा मनुष्य का, हमारे नाम पढ़ के फलाना फलाना फलाना, उस आत्मा ने चोला पहन करके अपने अपने नाम रखवा ली यहाँ करके मनुष्य के रूप में, कोई किसी परिवार में, कोई किसी गोत्र में, कोई किसी वंश में, कोई किसी तरह से। ये आत्मा इससे पहले भी थी, जिस रूप में आई है उसमें भी है, और जब यहाँ से जाएंगे तब भी वो आत्मा है। आत्मा वही रहती है, आत्मा नहीं बदलती, तो बदला क्या, केवल शरीर के खेल बदलते हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया ना, और हम देशी भाषा में कहते भी हैं कि फलाना मर गया, आत्मा नहीं मरती है, शरीर रूप में वो जीव आया, शरीर रूप में वो जीव समाप्त हो जाता है। इसका मतलब साफ हो गया कि आत्मा का तो मृत्यु हो, जवानी आई ना, बचपन नहीं जाता तो जवानी कहाँ से आती, इसका मतलब हमारा बचपन चला गया, एक बार तो उसने मर गई, जवानी चलेगी उसके बाद में फिर दोबारा जवानी, फिर कभी तो बुढ़ापा आया, और बुढ़ापा चला जाता है तो यही मृत्यु अगली योनि में अगले पड़ाव में चली जाती है।
वंशांशी जीवनानी यानी जैसे पुराना वस्त्र जीव उतार करके दूसरा नया धारण करता है, उसी तरह ही ये हमारी आत्मा पहले शरीर को, पुराने शरीर को, विषय वासनाओं से युक्त शरीर को छोड़ देती है और दूसरे शरीर में जा करके प्रवेश करती है। अब सोचने वाले भाई, पानी वाले चाय वाले, बिल्कुल दोनों से आप वहां चले जाओ, यहाँ बीच में पानी चाय नहीं रहोगे, अब एक घंटा के लिए पानी चाहिए वहां गेट पे खड़े हो, आते ही सबको पानी पिला दो, आते ही चाय वगैरह पिला दो, वो जो अंदर आ गए अंदर आकर पानी चाहिए देना। सब सिर्फ सिर्फ मेरे मेरी कोशिश होती है एक घंटा घंटा सिर्फ मात्र कथा को देना। देखो कहते हैं बिन सत्संग विवेक ना होई, बिन हरि कथा सुलभ ना सुलभ। जब तक सत्संग आप ना करोगे तब तक आपको ज्ञान होगा नहीं, विवेक जागे करने, और जब तक विवेक नहीं जागता तब तक आपके जीवन का उद्धार होगा। जरूरी बात है कोई रिश्तेदार कई दिन बाद मिलता है तो आप करो प्रेम तरफ जाकर के मिलते रहो, बातें करते रहो, एक उलझन पूरी होती है दूसरी उलझन सब शुरू हो जाती है। एक संत महाराज जी नदी के किनारे बैठे, हर रोज बार बार कहते हैं भजन किया करो, जप किया करो, भजन किया करो, आनंद में रहा करो, खुश रहा करो, लेकिन सुने ही ना माने ही ना कोई। संत महाराज ने सोचा कि ये दुनिया ना ऐसे मानने वाले नहीं, जैसे मैं बोली जा रहा हूँ बात मत करो, लेकिन भी किसी की बातें चलती रहती हैं, क्योंकि उदाहरण देकर समझाओ तब जाकर समझ में, आप बातें मत करो जी, कृपा करके प्लीज बातें ना करो। नदी बह जाए, नदी बह जाए, नदी बह जाए तो पार जाऊंगा। महाराज कमाल, आप संत हो, इतने ज्ञानी हो, लोगों को उपदेश कर रहे हो, समझदार हो, लेकिन आप कह रहे हो कि नदी बह जाएगी तब मैं तो पार करूंगा। नदी महाराज निरंतर बहती रहेगी, नदी का भाई यही बात को तुमको मैं समझा रहा हूँ कि उलझने आप सोचते हो कि ये उलझन पूरी हो जाएगी तब जाकर के मैं भजन करूंगा। तो ना भोगा ना भोगता भाई, मैं भोगता तब कालो ना याता भैया, मैं याता तपो न तपता भैया, मैं तपता तृष्णा न जीना भाई, मैं जीना ये तृष्णाएं बुरी नहीं होंगी मेरे भाई। जीवन में आदमी बूढ़ा हो जाता है लेकिन इच्छाएं जिसमें हम छोटे थे, इच्छा थी पढ़ लिख जाएंगे, पढ़ लिख गए, फिर इच्छा हो गई चल अब तो विवाह हो जाए, विवाह हो गया, अब हो गया कि बेटा ही हो जाए, बेटा हो गया, बेटा बड़ा होकर अच्छा पढ़ लिख जाए, इंजीनियर बन जाए, वो भी बन गया, उसके बाद इच्छा करके इसका विवाह हो जाए, वो विवाह हो गया, अब इच्छा जागी अब इसका भी पोता मेरे पोता ही हो जाए। अरे भाई ये इच्छाएं एक समाप्त दूसरी जागेगी, जब तक आपको विवेक नहीं आएगा नहीं बन सकती। बहुत सुंदर कहानी है, अक्सर मैं सुनाया करता हूँ। एक बार एक राजा के पास में बकरा था, वो बकरा था, वो कहता भाई देखो ये बकरा है, अपने प्रजा के अंदर कुछ ज्ञान हो जावे, मेरी प्रजा को संस्कारी बन जावे, मेरी प्रजा को धार्मिक बन जावे, मेरी प्रजा को कुछ ज्ञान हो जावे। तो इसी सोच करके उस राजा ने उस शहर के अंदर कहा एक बार भाई सब प्रजाजनों से कि मेरे पास जो बकरा है इसका पेट भर करके जो लाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। चलो एक बार इनका पेट भरना कौन सा मुश्किल है। तो वो तो अगली रोज राजा के यहाँ पहुंच गया, राजा के यहाँ जाकर के उसने बकरे को लिया और बकरे लेकर तुम्हें प्लीज कृपा करके सुनते रहो ध्यान से, कथा सुनो आप में देखना क्या हुआ, कथा को पूरी को ध्यान से सुनना फिर समझना भाव क्या। तो क्या हुआ बकरे का पेट भर गया, बकरा खाना हट गया, उसने सोचा भाई बकरे का पेट तो भर गया, अब उस बकरे को लेकर के राजा के पास आया। राजा के पास आकर कहने लगा महाराज मैंने आपके बकरे का पेट भर दिया, घास लेकर के और इस बकरे का पेट भरा के नहीं भरा, बकरा भूखा है कि रच गया ये मैंने अजमाना। नौकर को भेज दिया, नौकर घास लेकर के आया, घास जो ही बकरे के आगे डाली, बकरे की आदत मुंह मारने की, घास डालते ही बकरे ने फिर मुंह मारना शुरू कर दिया। राजा बोला उससे भाई तू तो कहता था तेरे बकरे का पेट भर गया, लेकिन मेरा बकरे का पेट भरा होता तो खा सकता हूँ।
इससे से दिन प्रतिदिन लगातार ये बहुत दिन तक जो आता वो बकरे को लेके जाता, बकरे को घास हरी हरी चराता वापिस। वो दिन तक जब भी काम करता रहा, एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, उसी मन में बात आई कि भाई राजा हमको कुछ समझाना चाहते हैं। अब उस विवेकी व्यक्ति ने क्या किया, राजेश का महाराज मैं आपके बकरे का पेट भर के लाऊंगा। भाई ठीक है, धीरे धीरे से बहुत आते हैं, हर रोज कहते हैं मैं पेट भर के लाऊंगा, मैं पेट भर के लाऊंगा। तो चल अच्छी बात है, आप ऐसे करो, आप पेट भर के ला दो बकरे का। उस व्यक्ति ने बकरे को लिया, बकरे को लेकर के जंगल में चला गया और वहां जाकर के जो ही उसको एक पेड़ के साथ बांध दिया और उसके पास में जो घास थी जो ही घास को खाने जावे उसी समय उसको डंडी से छड़ी से मार दे। घास ला करके उसको खिलाना तो दूर रहा, जब खाने लगे तभी तो उसके डंडी सोटी मारे, जो उसके लाठी मारे डंडी मारे। अब बकरा थोड़ी देर तक बैठा रहे, भूख लगती हो तो फिर खाने को दौड़े, फिर उसके ऊपर डंडी पड़े। दो दिन बाद जब उसकी मार पड़ी, उन्होंने सोचे कि कैसा मालिक आ गया, हर रोज आते थे लेके आते थे मेरे को, हर रोज हरी हरी घास चराते थे, मेरा पेट अच्छी तरह से भर जाता, लेकिन आ कैसा आ गया। अब उस बकरे ने मन में बिल्कुल ये चीज बैठ गई कि जब मैं घास खाता हूं तो मेरे ऊपर मार पड़ती है, अब मैं घास खाऊंगा ही। बिल्कुल बकरे ने मन में कर ली, जो बकरे ने ये बात अपने मन में कर ली, तब उसी समय वो राजे के पास आ गया। थोड़ा ही समय, घंटा दो घंटा बीता ना, पूरा दिन बीता, और तो हर रोज पूरे पूरे दिन उसको घास को चरा कर लेके आते थे। थोड़ी देर के बाद ही वो वापिस आ गया और राजे के महाराज मैंने आपके बकरे का पेट भर दिया। राजा बड़ा हैरान हो गया, राजा ने सोचा भाई सुबह से शाम तक लेके जाते थे बकरे का पेट भरता नहीं था, ये तो घंटे भर में वापिस आकर के मेरा बकरे का पेट भर गया। चलो ठीक है, नौकर को भेजा। अब नौकर से कहा भाई जा घास लेकर के आ, घास लेकर के आया नौकर, बकरे के आगे डाल दिया। अब बकरा भूखा तो सारे दिन का था, लेकिन वो पास में बैठा था छड़ी लेकर के, अब सोचा मैं घास खाऊंगा फिर मेरे को मार पड़ेगी। झांका जरूर घास की ओर, लेकिन खाया नहीं। क्यों? क्योंकि बकरे को पता लग गया था घास खाऊंगा तो मार पड़ेगा। ये कोई बकरा और कोई नहीं मेरे भाई, ये हमारा शरीर है। और वो छड़ी विवेक क्या है, सत्संग है, ज्ञान है। जब तक इस शरीर के भोगों को भुगतते रहेंगे इसके द्वारा ऐसे आराम के साथ क्या आगे। थोड़ी देर तो आनंद रहा उसका, लेकिन थोड़ी देर के बाद और किसी चीज के खाने की इच्छा जाग गई, फिर जो तृष्णा पहले थी वही तृष्णा दोबारा शुरू हो गई। तो पूर्ण तृप्ति कहां से हुई? पूर्ण तृप्ति ऐसे हो नहीं सकती है मेरे भाई। पूर्ण तृप्ति तो जब हम इच्छाओं का त्याग कर देते हैं, उस परमपिता परमात्मा की भक्ति का आनंद जिसमें जाग जाता है, उस परमपिता परमात्मा की ओर जब हम कदम बढ़ाने लग जाते हैं, तब संसार के सारे जितने ऐश और आराम के साधन हैं ये सब फीके नजर आते हैं। नहीं तो दुनिया की दौलत की ओर भाग दौड़ हमारी चलती रहती है। एक इच्छा जागती है दूसरी शुरू हो जाती है, एक पूरी होती है दूसरी जा करके शुरू हो जाती है। लेकिन ये सोचना, ये ध्यान करना मेरे भाई, यदि हमारी संतुष्टि होगी तो उस परमपिता परमात्मा के चरणों में जाए बगैर संतुष्टि हो नहीं सकती है। एक मुट्ठी भर अनाज भी यहां से लेकर के किसी ने नहीं जाना। देखो बिल्कुल सच्चाई बात है, जीव भाग दौड़ आज कितनी करता है। आज के इंसान के पास ना बच्चों के लिए समय है, आज के इंसान के पास ना माता पिता के पास समय बैठने का। किसके लिए? सिर्फ मात्र दौलत कमाने के लिए। जरूरी है दौलत, पहले भी मैंने कई बार कहा, मनी इज वेरी समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। धन कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ भी हो सकता है, लेकिन धन ही सब कुछ हो ये कभी नहीं हो सकता मेरे भाई। गॉड इज एवरीथिंग, परमात्मा सब कुछ है हमारा, उस परमपिता परमात्मा। कमाई बेशक किसी की छोटी हो, कमाई चाहे बेशक किसी की बड़ी हो,
लेकिन अक्सर घरों में जो रोटी बनती है मेरे भाई, तवे पे डाली जाने वाली रोटी, वही अमीर के घर में उतनी गोल रोटी होगी, वही गरीब के तवे भी उतनी ही गोल रोटी होगी। रोटी का साइज वही होता है, कमाई आपकी छोटी बड़ी हो सकती है, कोठी आपकी बहुत बड़ी हो सकती है, चार चार पांच पांच कमरे की या तीन तीन चार चार बिल्डिंग की कोठी हो सकती है, और गरीब के तो झोंपड़ी हो सकती है सिर्फ मात्र, लेकिन जो जगह आखिर में सबको मिलती है वही मेरे भाई चार पांच फुट की जगह मिलनी, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाली किसी को, वही मिलनी है। हरिद्वार में आप जाते हो सकता है कि आप कोई किराए की गाड़ी करके चले जाता होगा, हो सकता है कोई 20 लाख की 30 लाख की गाड़ी में जाकर चला जाता होगा, लेकिन उसी गंगा नदी के अंदर अमीर के फूल डाले जाएंगे, उसी के अंदर गरीब के फूल डाले जाएंगे, मत भूलना कभी मेरे भाई, ये बिल्कुल सच्चाई। भागदौड़ किसके लिए फिर, ये छल कपट किसके लिए, धोखा किसके लिए, वो कमाई नहीं बचाई, ऐसी कमाई किस काम की, फिर प्राण को प्रभिमान करते हो क्या शरीर के ऊपर, जो इसके अंदर प्राण है शरीर में, उन प्राणों पे यदि अभिमान करते हो तो वो प्राण भी शरीर को छोड़कर एक दिन चले जाएंगे, किस चीज के ऊपर अभिमान है फिर, क्या शरीर के ऊपर अभिमान है, वो शरीर जो शमशान भूमि में जाकर के राख की ढेरी बन जाएगा। आपके कर्म साथ देते हैं, वो कर्म यहाँ भी काम आते हैं, अच्छे किए हुए कर्म यहाँ के बाद वहां भी काम आते हैं मेरे भाई। गरुड़ पुराण जी के अंदर बहुत सुंदर लिखा है नौवें अध्याय में कि ये शरीर जो है संस्कार हो जाता है, राख इसकी बन जाती है, लेकिन आपके कर्म जो है वो आगे जाने वाले हैं। दो तरह की कमाई है, एक तरह की कमाई यहाँ काम आएगी और एक वो कमाई है मेरे भाई जो आपने सत्यता की है, भजन की है, नाम जपा है, सेवा की है, वो कमाई आपके काम आने वाली है। पूजा करने भगवान के यहाँ जाना पड़ता है, पूजा करें ना तो भगवान के यहाँ जाना पड़ता है, लेकिन सेवा करें तो भगवान को आपके आवश्यक है, जरूरी है, दृष्टि को चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ मत भूलो यहाँ से लेके जाना कुछ भी नहीं है। देखो शेठ जी छोटी सी दुकान थी पहले, छोटी सी दुकान में बैठा करते थे, धीरे धीरे करके बड़ी मेहनत करके उन्होंने उस छोटी सी दुकान को बहुत बड़ा गोदाम बना दिया। अनाज का काम था, उसी अनाज की दुकान के ऊपर उन्होंने सोचा कि अब ये पास में दुकान है तो उसी के ऊपर उन्होंने मकान भी बना लिया, उसके ऊपर मकान बना दिया, बहुत बड़ा आलिशान मकान बन गया, बहुत बड़ी आलिशान बिल्डिंग तैयार हो गई बनकर के, जिसमें बिल्डिंग बनकर के तैयार हो गई तो बहुत समय कुछ समय तक वो उसके अंदर रहे, उसके बाद में उनका देहांत हो गया। जो उनका देहांत हुआ तो उनके बेटे अब जवान अवस्था को प्राप्त हो गए थे और धीरे धीरे करके उन्होंने अपना कारोबार संभाल लिया, जो ही कारोबार संभाल लिए अब वो जो है उनका बेटा जो था सेठ जी महाराज जी का लाला जी का वो बेटा उसमें बैठने लगा। तो अचानक एक दिन क्या हुआ, बकरा आकर के उस अनाज को खाने लगा, जो ही बकरा अनाज को खाने लगा उसी समय उसको आकर के एकदम से जोर से लाठी मारा के दोनों विराजमान हुआ। जो वहां से जा रहे थे तो अंगिरा ऋषि और नारद जी जा रहे थे, नारद जी महाराज को ये सब देख करके हंसी आ गई। जो ही नारद जी महाराज जी को हंसी आई तो अंगिरा ऋषि ने पूछा, महाराज जी आपके हंसने का कारण क्या है, आप क्यों हंस रहे हो, वो व्यक्ति ने इसको बकरे को लाठी मारी और आप देख करके हंसे, इसका कारण क्या है। नारद महाराज कहने लगे कि देखो मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं, ये सामने जो इतनी आलिशान बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये सामने आप जो दुकान देख रहे हो बहुत आलिशान, इतना बड़ा गोदाम, यहाँ कभी छोटी सी दुकान हुआ करती थी,
इस छोटी सी दुकान के अंदर एक बुजुर्ग जो है बैठा करते थे, धीरे धीरे करके उन्होंने अपना कारोबार बढ़ाया और वो कारोबार इतना बड़ा कारोबार हो गया कि आज जो है आलिशान गोदाम बन गया और आलिशान कोठी बन गई, बंगला बन गया। तो ठीक है महाराज, इसमें कौन सी हंसने की बात। और वो जो बेटा है उसी बुजुर्ग का सामने बेटा बैठा हुआ है, ठीक है महाराज, ये भी अच्छी बात है, वो बेटा बैठा हुआ इसमें क्या। लेकिन उसके हाथ में सोटी, और सोटी जो मार रहा है इस बकरे को, ये बकरा कौन है आए बताओ। पूछा कि बकरा है कौन आखिर, इसके मार क्यों पड़ रही है। कहने लगा ये अब इसके पिछले जन्मों के कारण जो बुजुर्ग थे मोह था, उस मोह के कारण ही यहाँ पर आकर के और ये अनाज खाना चाहता है। लेकिन इसकी बदकिस्मती है, ढेर का ढेर तो लगा करके गया लेकिन एक मुट्ठी के ऊपर इसका अधिकार नहीं, मुट्ठी अनाज की खा नहीं सकता। ये इसका पिता ही है और अब जो है ये बकरे के रूप में आकर एक मुट्ठी अनाज की खाना चाहता है लेकिन मुट्ठी अनाज की भी खा नहीं सकता, मार बन रही है। हो गया मरने के बाद अक्सर कहते हैं कि व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया, क्या भगवान जी को मुर्दा ही प्यारे हैं? जो जीवित है वो भगवान को प्यारे नहीं है क्या? मुर्दा होने के बाद कहते हैं कि भगवान को प्यारा हो गया, अरे जीते जी हो जाता। जीते जी भगवान से प्यार करो, उस परमात्मा विश्वास रखो, परमात्मा श्रद्धा रखो। एक बहुत सुंदर कहानी आती है, गोवर्धन नाम का एक ग्वाला था। वो किसी को मिले होंगे तो सिर माता सीधे साधुओं को ही मिलते हैं। मेरा परमात्मा तो सब देखता है, अनजान थोड़ी है वो, उसको सब दिखाई देता है। पहले एक और कहानी आपको सुनाऊं। एक अंधा व्यक्ति ना प्रतिदिन मंदिर के अंदर जाया करता था, प्रतिदिन भगवान के। उस अंधे व्यक्ति का मैं क्या हुआ कि मैं नहीं देख सकता तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरा परमात्मा तो मुझे देख सकता है कि क्या मैं भक्त गरीब हूं। वो परमात्मा तो देखता है, आज नादरा हर जगह। एक दिन किसी माँ का सत्संग मिल गया, माँ के साथ मिलकर माँ वृंदावन जा रही थी, बुजुर्ग महिला, उसी के साथ में वो वृंदावन के अंदर आ गया। वृंदावन के अंदर जो वो आया ग्वाला, बांकी बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने लगा, जो बांकी बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने लगा, बस उसकी तो लय लग गई। देखते ही रहा भगवान जी को, देखते ही रहा, और जैसे भगवान उसको आभास हो रहा है मन ही मन, क्योंकि परमात्मा सुनती लगी, लय लगी, भक्ति जाती उसकी, तो वो भगवान जी से उसने कहा मैं आया करूंगा। और ये वास्तविकता भी है मेरे भाई, संसार के लिए आप जो बाल्टी भर भर। तो उसने कहा कि ठीक है भगवान जी, आपसे मैं आपकी गायन चराया करूंगा। उतनी देर में पर्दा हो गया वहां का, भगवान जी का पर्दा बड़ा जल्दी हो जाता है, बांके बिहारी जी का कभी कभी पर्दा हो गया। हर जब भगवान जी ने आराम करना है, उसने कहा भाई भगवान जी गायन चराते रहते हैं, कृष्ण जी थक गए होंगे आराम करेंगे, तो ठीक है मैं बाहर चला जाता हूँ, लेकिन एक बात बता देना भगवान जी। महाराज जी अभी अभी भक्त यहाँ से गया, उसने कहा कि आज के बाद मैं गायन चराया करूंगा तो भगवान जी की चराया करूंगा। आप मेरे लिए बात भगवान जी को, आप कभी किसी सेवक को भेज दिया करते थे भोजन के लिए उसके लिए। अब एक दिन मंदिर के अंदर बहुत बड़ा उत्सव हो गया, बहुत बड़ा त्यौहार था, इतना बड़ा त्यौहार था कि गोस्वामी जी को ध्यान ही गया कि किसी के भक्त के लिए तुम्हें भोजन भी भेजना है। जब उनको ये ध्यान ही नहीं रहा कि कोई होते रखवाला जो गाय चलाता है उसके पास भोजन भेजना है, गोस्वामी जी का बख्श रहे। लेकिन जो मेरा परम पिता परमात्मा अपने भक्त को भूखा कैसे रख सकता, सारे संसार को देने वाला वो भूखा कैसे रख सकता अपने भक्त को। उस समय मां के बिहारी जी महाराज ने सेवक का रूप बनाया और सेवक के रूप में जाकर उसको भोजन दिया, और भोजन देने के बाद मां के बिहारी जी महाराज जी वही अपने छवि के अंदर अंतर्ध्यान हो गए। गोस्वामी जी महाराज शाम के समय जिसमें उत्सव समाप्त हुआ, एक तो भेज नहीं सका, उसी समय जब ध्यान आया तो भोजन पकवान सुंदर सुंदर भोजन लिया, पकवान लिया, ग्वाले के पास में जाकर कहा कि ग्वाले मेरे को माफ करना, आज मैं तेरे पास जो है भोजन लेकर के लिया, मेरे को माफ कर दो। ग्वाले का आप कैसी बात करें, आपका सेवक तो मेरे को दोपहर को भोजन देकर के गया,
और वो देखो जल्दबाजी में था, जल्दबाजी में उसने अपना ये जो कपड़ा है वो कपड़ा भी मेरे पास उसका छूट गया। वो स्वामी जी महाराज ने जो ही उस कपड़े को देखा बस देखता रह गया, क्योंकि जिसमें भगवान जी का आज उन्होंने स्नान करवाया, भगवान जी को वस्त्र पहनाया, खुद अपने हाथ से भगवान जी को दुपट्टा उन्होंने चढ़ाया था, वही दुपट्टा रहे थे। जो वहां जा रहे थे तो बच्चे फुटबॉल को बार बार लात मार रहे थे। शिष्य ने पूछा, गुरु जी इस फुटबॉल ने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जो बार बार लात खा रही है? गुरु जी ने कहा, भाई कसूर इस फुटबॉल का नहीं है, फुटबॉल में हवा नहीं होती तो कोई लात नहीं मारता इसको, कसूर है तो केवल मात्र हवा का है, इसके अंदर हवा भरी तो लात खानी पड़ रही है। अभिमान का कसूर होता है मेरे भाई, नम्रता जीवन में आनी चाहिए। आपने सुनी होगी एकनाथ महाराज जी की कथा। एकनाथ महाराज जी हुए हैं, एकनाथ महाराज जी स्नान करने जाया करते थे गोदावरी नदी के अंदर, नित्य प्रति स्नान करके आते। एक दिन एक यवन था मलेच्छ, जिसको कहते हैं नीच जाति का, ऐसे दुष्ट स्वभाव था उसका, संतों के साथ जो है वो मजाक किया करता था, संतों को उपहास किया करता था। तो ऊपर बैठा था, एक दिन एकनाथ महाराज जी स्नान करने के लिए जो ही आई ऊपर से उसके ऊपर थूक दिया उन्होंने। एकनाथ महाराज जी कुछ नहीं बोले। एकनाथ महाराज जी ने स्नान करने के लिए वापिस गए, वापिस स्नान करके आ गए, दोबारा जो ही स्नान करके आई फिर उनके ऊपर आकर के थूक दिया। एकनाथ महाराज जी अब की बार भी कुछ नहीं बोले, वापिस गए स्नान करके वापिस आए। ये क्रिया लगातार चलती रही, 108 बार ठीक उसने किया। अब उसकी हद होगी, उसने सोचा कि मैं कितना पापी हूं। अभिमान वाला व्यक्ति, पापी व्यक्ति, धोखेबाज व्यक्ति कितनी बार करो आप शांत बने रहो तो ये गारंटी देता हूं आपको उसके चरण में झुकना पड़ेगा। लेकिन यदि आप उसको बराबर में जवाब देते रहोगे तो उसका पारा और बढ़ता जाएगा। तो वो बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे थे, स्नान करके आते, स्नान करके आते, स्नान करके आते। उसी समय अब उसने सोचा, भाई तो कितना पापी है, ये संत महात्मा ये अपने काम से काम रखते हैं, संध्या करते हैं, वंदन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन तू ही ऐसा पापी दुष्ट है, तो संत को सता रहा है। अब उसके मन में जो है गलानी आ गई, एकदम से अपने महल से नीचे उतरा, एकनाथ महाराज जी के चरणों में आकर के झुक गया। एकनाथ महाराज जी ने कहा, भाई तू मेरे चरणों में मत झुको, मैं तो तेरा ऋणी हूं। जो ही एकनाथ महाराज जी से ये कहा, एकनाथ महाराज जी ने उसको कि मैं तेरा ऋणी हूं, कहने लगा, महाराज मैं तो पापी दुष्ट हूं, मैं आपके ऊपर ठोक रहा हूं बार बार, और आप मेरे ऋणी कैसे हो सके? मैं तेरा ऋणी इसलिए भाई कि तूने मेरे ऊपर थूक दिया, तो हर रोज मैं क्या करता, स्नान करके एक बार स्नान करता वापिस चला जाता, तूने मेरे ऊपर बार बार थूकता रहा, तेरा ऋणी इसलिए हो गया। आज तूने 108 बार थूका तो मैं एक गोदावरी नदी के मेरे 108 बार स्नान हो गए, ये तेरी कृपा नहीं तो किसकी कृपा है। सोच है ये हमारी, नम्रता की निशानी है ये मेरे भाई, ये हमारी सोच और शक्ति अच्छी बना ले। कोई बुरा भी करे तो उसके साथ आप अच्छा ही कर दो, उस बुरे वाले को आपके साथ अच्छा करना पड़ेगा, ये बिल्कुल हकीकत है। उस परमात्मा के सहारे बस अपना बिल्कुल उसको एकमात्र लक्ष्य बना करके चलते रहो, अभिमान की भावना समाप्त हो जावे, नम्रता की भावना हमारे मन के अंदर आ जावे। तो उस एक बार क्या हुआ, शिवाजी महाराज जी अपने किला बनवा रहे थे, बहुत शानदार किला, आपने भी सुना होगा, बहुत सुंदर किला था, बड़ा आलीशान किला, 2500 कारीगर एक बार में काम कर रहे थे लगातार। उस शिवाजी महाराज ने एक बार क्या देखा, उसके 2500 जो कारीगर, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बार बार ये सारे सारे कर रहे थे। अब उसके मन में क्या हुआ, अभिमान जाग गया कि देखो मेरे कारण इन 2500 जो कारीगर हैं इनका पेट भर रहा है, मेरे कारण 2500 कारीगरों का पेट भर रहा है, मैं नहीं होता तो इनको भोजन कौन देता, ये अहम की भावना उसके अंदर आ गई। रामदास महाराज जी समर्थ गुरु हुए हैं, रामदास महाराज
शिवाजी महाराज जी गुरु थे। अब शिवाजी महाराज जी के जो गुरु रामदास महाराज जी थे, जो संत हो या कोई गुरु हो, तो वो तो जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं कि इसमें अभिमान आ गया, इसका अभिमान का पतन हो जावे, अभिमान के कारण ये गिर जाएगा, अभिमान समाप्त होना चाहिए। शिवाजी महाराज उसी समय रामदास महाराज जी ने उनके भावों को समझ लिया और शिवाजी महाराज को एक तरफ बुलाया, एक नौकर को बुलाया और नौकर से कह दिया कि भाई ऐसा कर, ये जो पत्थर है इस पत्थर को डोल का जो है ये अथोड़ा मार। रामदास महाराज जी ये करवा रहे हैं, शिवाजी महाराज पास में खड़े हैं। शिवाजी सोच रहे कि गुरु जी को हो क्या गया कि भाई यहाँ इस पत्थर को तोड़, ये क्या करवाना चाहते हैं आखिर। चलो गुरु जी थे, बोल भी नहीं सकता था कुछ शिवाजी महाराज। अब जो ही रामदास महाराज जी ने उस नौकर के द्वारा पत्थर को तोड़वाया तो आश्चर्यचकित रह गया, उसके अंदर से कीड़ा निकला और वो कीड़ा जो निकला, कीड़ा कुछ खा रहा था, उसके मुंह में कुछ था। शिवाजी महाराज को इशारा करके कह दिया रामदास महाराज जी ने कि हे शिवाजी, क्या इसको भी भोजन तूने दिए। शिवाजी महाराज चरणों में झुक गया भगवान जी के, रामदास महाराज जी के चरणों में। महाराज मेरे अंदर अहम भावना आ गई थी, मेरे अंदर अहंकार की भावना आ गई थी कि शायद 2500 व्यक्तियों का भोजन जो मैं दे रहा हूँ, मैं ना होता थे भूखे रहते, लेकिन मैं कहीं गलत था भगवान, क्योंकि हे गुरु जी वो परमपिता मेरा परमात्मा जो है भूखा सबको उठाता जरूर होगा, लेकिन आज तक किसी को भूखा सुलाया नहीं। वो भूखा सुलाता नहीं है, किसी को उठाता जरूर है मेरे भाई। एक बार क्या हुआ, सेठ जी महाराज बड़ी तृष्णा लगी हुई थी, बहुत तृष्णा लगी हुई थी। उस तृष्णा के कारण एक दिन क्या किया, अपने मुनीम को बुलाया, मुनीम से कहने लगा भाई ऐसा कर तो लेखा जोखा देख। उसने लेखा जोखा देख लिया महाराज, जो ही लेखा जोखा देखा तो क्या देखते हैं, बिल्कुल हिसाब लगा करके कह दिया महाराज जी आपकी 7 पीढ़ियों को कमाने की जरूरत नहीं है, इतना हमारे पास भोजन है, इतना हमारे पास अनाज, इतना हमारे पास कारोबार, इतना हमारे पास है धन कि आपकी 7 पीढ़ियां बगैर कुछ कमाए भी खा सकती हैं। अब उस महाराज ने सोचा भाई 7 पीढ़ियां खा सकती हैं, हाँ 7 पीढ़ियां। अब सोचा भाई 8वीं पीढ़ी इसका मतलब मेरी भूखे मरेगी, यानी 7 पीढ़ी आपने कह दिया कि 8वीं पीढ़ी भी तो मेरी होगी, क्या 8वीं पीढ़ी भूखी मरेगी। अब उस चिंता में पड़ गई, ना नींद आवे, बड़ी चैन की नींद आती थी, नींद आनी बंद हो गई तो भूख भी ना लगे, क्योंकि चिंता जिस व्यक्ति को हो तो वो व्यक्ति ना सो सकता ना कुछ कर सकता, वो तो उस चिंता से ग्रस्त पड़ गया। अब उसी चिंता में उसकी पत्नी, आप उनके पास चले जाओ। जो ही कहा कि संत महाराज चलो अच्छी बात है, संत महाराज को इनको उपाय बता देंगे कि मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी ना मरे, ऐसी धन दौलत और मेरे पास धन दौलत आ जावे। तो चलो संत महाराज जी के पास गए, संत महाराज जी को सारी बात बताई, संत महाराज जी भाव को समझ गए कि इसको तृष्णा लगी है और ये तृष्णा न जीर्णा वही में जीर्णा, तृष्णाएं तो बूढ़ी होंगी नहीं, इंसान बूढ़ा हो जाता है। समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अब कहने लगा भाई ये तो छोटा सा उपाय है, बड़ी बात नहीं है, छोटा सा काम करना पड़ेगा। बोलो महाराज क्या करना, मैं तो बड़े से बड़ा करने को तैयार हूँ, बस धन आ जाए, धन ही धन हो बस मेरे पास। कहने लगा भाई बड़ी अच्छी बात है, तो छोटा सा उपाय करना पड़ेगा, ऐसा कर आपके ये गांव के अंदर ही बाहर एक झोपड़ी बनाकर के बूढ़ी माता रहती है, आप उसी बूढ़ी माता के पास चले जाओ और उस बूढ़ी माता के पास में जाकर के उसको आप एक वक्त जो भोजन आधा किलो के करीब आटा उसको लगता है, आधा किलो आटा लेकर के चले जाना, उस बूढ़ी माता को दे देना। महाराज बस इतना, हाँ बस इतना ही काम करना पड़ेगा, आधा किलो आटा ले, आधा किलो आटा तो क्या लेना, एक क्विंटल भर का आटा ले लिया, क्विंटल भर आटा लेकर के माता जी के यहाँ आवाज लगाई कि माता जी मैं इस नगर का सेठ हूँ, आपके पास में आटा लेकर के आया हूँ। अंदर से माता जी ने आवाज लगा दी कि बेटा मेरे पास तो आज का भोजन है,
मेरे पास तो आज के लिए आधा किलो आटा का प्रबंध हो गया है, अब मैं जो है मेरे को आटे की आवश्यकता नहीं है। कहा माता जी कोई बात नहीं है, क्विंटल आटा आप रख लो, आप हर रोज आपका काम आएगा, महीने दो महीने तक आपके यहाँ चल जाएगा ये, इसलिए आप इसको रख लो। कि नहीं मैंने नहीं रखना, आज का मेरे पास भोजन हो गया, कि आज की कोई बात नहीं, आप कल के लिए आधा किलो ही रख लो। बूढ़ी माने कि मैं कल की चिंता क्यों करूं, कल की चिंता मेरे को करने की जरूरत क्या है, जो मेरा परमात्मा यदि मेरे लिए कल का दिन दिखाएगा तो मेरे भोजन की व्यवस्था वो अपने आप करेगा, जिम्मेवारी मेरी नहीं, जिम्मेवारी उसकी है। जन्म उसने दिए तो पालने की जिम्मेवारी उसकी है, लेकिन हम सोचते क्या कि मैं करता हूँ, नहीं मेरे भाई, इसी के कारण, अहम भावना के कारण आज हम कहीं वंचित होते जा रहे हैं। ना वो प्रेम रहा, ना वो आसक्ति रही, ना वो भावना रही, ना वो एक दूसरे के प्रति जो श्रद्धाएं होती थी। कई वृक्ष होते हैं महाराज, देखो पहले जमाना क्या होता था, आज कहाँ से क्या आ गया। भाई समय तो पहले भी वही 24 घंटे का दिन होता था, वही आज का है, तो बदलाव किस में आया? समय में बदलाव नहीं आया, इंसान में बदलाव आ गया। इंसान बदला है, समय नहीं बदला। कहते ना समय बदल गया, समय कहाँ बदला है? समय तो वही पहले होता था, इतनी ठंडियां होती थी, इतनी गर्मियां होती थी, वही दिन होती। डाली देखी, प्रेम शैतान को भी इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। ये विश्वास ही है ना आपका, पत्थर में भी भगवान नजर आता है और किसी को भगवान में भी पत्थर नजर आने लगता है। प्रेम की बात है जो माता। एक बार क्या हुआ, तीन साधु किसी के यहाँ पर आए, तीन साधु यहाँ कहने लगे, भाई हम तीन साधु हैं लेकिन हम घर में एक के ही रहते, एक ही रहता है, हम तीन किसी के घर में इकट्ठे नहीं रहते। आप में से जो हम तीनों में से एक को आप किसी घर में भोजन कराना चाहते हो, घर। और दूसरा कहने लगा, भाई सफलता कहने लगा, मैं अकेला ही आऊंगा, तीनों साधुओं को कम से कम भोजन कराना चाहिए, अब क्या करें। कहने का महाराज, पत्नी बड़ी समझदार थी, शानी थी, कहना ये धन की आवश्यकता है, धन कल को चोरी हो गया तो बुलाना। तो साधुओं को नमस्कार के कहने लगा, महाराज आप में से जो प्रेम नाम के साधु हैं वो हमारे साथ आ जाओ। आप तो कहते हम एक आते हैं। कहने लगा, भाई देखो धन को ले जाते तो एक ही आता, सफलता को ले जाते तो एक ही आता, लेकिन जब प्रेम को लेकर के आ रहे हो तो प्रेम जहाँ होगा वहां तो हम सब साथ साथ ही आएंगे। प्रेम है आपके अंदर तो प्रेम के द्वार का मेरे भाई धन भी आपका है, लक्ष्मी भी आपके, सब कुछ आपका है। लेकिन आज जरा देखो, जैसे बताया पहले, समय बदलता जा रहा है, इंसान के मन बदल रहे हैं। एक बार बहुत सुंदर घटना सुना करके वाणी को विराम देना चाहूंगा, समय होने वाला है। जहां पर भक्ति है, जहां पर श्रद्धा है, जहां पर माता पिता का सत्कार है, दो बेटे उनके आगे चले गए। माता जी देखो, हर एक माता की, गुजर की, पिता की इच्छा होती है कि उसका बेटा उसकी अर्थी को कंधा दे करके लेके जाए, लेकिन उसी माता को जब दो दो बेटों की अर्थी अपनी आंखों से देखनी पड़े तो उस माँ के ऊपर बीत क्या रही होती है, वही चलती है। लेकिन ये संसार कर्म भोग है, कर्म भूमि बताया मेरे भाई सब। हम कुमार जी दो दो भाइयों का भी छोड़ा, इनको यहाँ झेलना पड़ा है। उनकी पत्नी ईश्वर जी, ईश्वर सिंगला, और उनके बेटे मनीष कुमार और उनकी पत्नी गीता जी। मैंने मनीष से पूछा एक बार पाठ के दौरान, मनीष की तुम कितने भाई हो? मनीष ने कहा, महाराज हम तीन भाई हैं। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, किसने कहा था मनीष तो एक ही है, मनीष तो एक बेटा है। समझा
हमारे दो बहनोई हैं, पिताजी ने उनको बेटा बना करके सोच समझा हमेशा, कभी बेटे में मेरे में बहनोई में कभी अंतर नहीं समझा, और बहनोई भी उनको ससुर नहीं बल्कि पिता मानते थे। ये संस्कार है मेरे भाई परिवार के। जब बीमार हुए हैं प्रकाश चंद जी वहां भी पास में रहे, देखो दमाज, नहीं तो आजकल फोन से काम चला लेते हैं कि पिताजी ठीक हैं चलो अच्छी तरह ध्यान रखना, संभाल रखना, दवाई देना, लेकिन ये है अच्छे संस्कार, ससुर को भी पिता बना करके रखना, कोई पिता को भी नहीं पिता समझते हैं। लेकिन पितृभक्ति के बगैर मेरे भाई इस संसार में जीव सुखी नहीं है। भागवत के अंदर की कथा आती है, गरुड़ पुराण जी के अंदर भी कथा थे भारद्वाज ऋषि जी की, लेकिन उतना समय नहीं है सुनाने का। अब छोटी सी घटना, एक बहुत ही प्यारा भक्त था माँ बाप का, माँ बाप की सेवा किया करता था, माँ बाप की सेवा के द्वारा एक बार भगवान जी खुश होकर के उसके दरवाजे पर मिलने के लिए आए। भगवान जी ने दरवाजे से आवाज लगाई कि बेटा मैं तेरी पितृभक्ति के द्वारा माता पिता की तुमने बड़ी सेवा की है और मैं तेरे को दर्शन देने के लिए आया हूँ, चलो दरवाजा खोलो। उसने अंदर से आवाज लगाई कि भगवान जी आपको इंतजार करना पड़ेगा, कि भगवान जी आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मैं अपनी माता पिता के अभी माता के चरण दबा रहा हूँ और माता के चरण दबा रहा था। भगवान ने कहा भाई मेरे पास इतना समय नहीं, मैं जा रहा हूँ। उस बेटे ने क्या कहा, भगवान जी आप जाना चाहते तो जा सकते हो लेकिन मैं अपनी माँ की सेवा नहीं छोड़ सकता। थोड़ी देर उसने सेवा की, सेवा करने के बाद उसके बाद उसने क्या किया, वहां बाहर आया, दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं, सामने भगवान जी खड़े, भगवान जी का दर्शन किए। और भगवान जी ने उससे पूछा, भाई जब मैं तेरे पास दर्शन करने के लिए आया, दर्शन देने में आया हूँ तेरे पास आया, लेकिन भगवान को देखते देखते भी तुमने तुम मेरे को मेरे पास नहीं आया, कारण क्या है? बहुत सुंदर जवाब दिया बेटे ने, कहने लगा महाराज भगवान जी जिस माता पिता की सेवा के कारण आपके दर्शन मेरे को हुए उसी माता की मैं सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं मारे जाते हैं भगवान के मंदिर, बड़ी अच्छी बात है जाना चाहिए, भगवान के मंदिर पूजा के लिए बने हैं, लेकिन जो आपके यहाँ पर भगवान भगवत के घर पर बैठे हैं माँ बाप के रूप में जो भगवान बैठे हैं उनकी सेवा सबसे पहले जरूर करनी चाहिए। समय जा अपने चरणों में बास देना, पीछे परिवार के अंदर दुख को सहन करने की शक्ति देना, क्योंकि माता पिता की आयु को कोई नापा तोला नहीं जा सकता। हालांकि 68 साल की उम्र लेकर के बाबू जी पूरे हुए हैं लेकिन माँ बाप की उम्र को तोला नापा नहीं जा सकता। परिवार के अंदर सुख शांति बना करके रखना। ओम शांति शांति शांति। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਮਾਤ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਈ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਵਕਤੀ 67 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਮਦਨ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ੈਲਰ ਕਮੇ ਭਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੈਲਾਇਆ ਹੀ, ਇਹ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਠਿਨ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਈਸ਼ਵਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੈਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਾਨੀਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਦਨ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਕਈ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਦਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਪੱਲੇ ਪਈ ਪਰ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਢਿੱਲੇ ਹੋਏ। ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨਤਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੜੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਨੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਡਾਇਲਸਿਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਹਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਡਾਇਲਸਿਸ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਲੜਕੇ। ਧੰਨ ਹੈ ਲੜਕਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਸਰਵਣ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਣੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਭਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਮਨੀਸ਼ ਕਿਸ਼ਨ
ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਸੀਆਂ, ਬੂਟ, ਜਰਾਬਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਇਹ ਲੜਕਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਭਾਨੀਗੜੇ ਨਹੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਨ ਭਾਨੀਗੜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਹੈ। MLA ਵਿਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਮਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਰਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਭਾਨੀਗੜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਮਤ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਗਰਵਾਲ ਸਭਾ ਭਾਨੀਗੜ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ਿਰਦੀ ਸਾਈ ਯੂਥ ਕਲੱਬ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭਾਨੀਗੜ ਵੱਲੋਂ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਭਾਨੀਗੜ, ਅਗਰਵਾਲ ਸਭਾ ਭਾਨੀਗੜ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਮਤ ਹੈ। 13 ਪੰਚ ਸਭਾ ਭਾਨੀਗੜ, ਹਲਵਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਨੀਗੜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਮਤ ਹੈ। ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਭਾਨੀਗੜ, ਆਰਾਮ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਭਾਨੀਗੜ, ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਸੇਵਾ ਭਾਨੀਗੜ, ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਰ ਭਾਨੀਗੜ, ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ ਮੁਨੀਸ਼ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਭਾਨੀਗੜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ, ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਨ। ਗਰਲ ਸਕੂਲ ਭਾਨੀਗੜ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮੁਨੀਸ਼ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਭਾਨੀਗੜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੈਨਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਮਤ ਹੈ। SS ਜੈਨ ਸਭਾ ਸ਼ਾਮਲੀ। ਅਕਾਲ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੂਮੈਨ ਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਭਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਭਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਬਾਬਾ ਪੋਥੀ ਵਾਲਾ ਮੰਦਰ ਭਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਭਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੋਹਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ, ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਰ ਭਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸਵਰਗ ਧਾਮ ਕਮੇਟੀ ਭਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਜੈਨ ਸਭਾ ਭਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ, XML ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਪੀਰ ਪਿਆਜ਼ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਰਾਜਮਾਨ,
ਪਰਮ ਪੂਜਿਆ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਪਾਵਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗੜ ਪੁਰਾਣ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਵਾਲੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਚਪਨਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡਨਰੀ ਉਸਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਥਾਪਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟਾਵਾਂ ਟੱਲਾ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਐਸਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨੀਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਗਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਾਂਗੂ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਲਾਲਾ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ, ਦਸੌਰ ਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨੂਅਲ ਸੀ, ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਲਾਲਾ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ, ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੀਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਜਾਣੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਾਲਾ ਮਦਨ ਲਾਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਲਾ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੋਣੀ, ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਲੀਕਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬੜੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਹਿਸਾਬੀ ਕਿਤਾਬੀ, ਇੰਨਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਨਾ ਫੀਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਜੇ ਉਸਨੇ 100 ਢੇਰੀ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਫਸਲ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਫੱਟ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਢੇਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਘਟਣ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲਰ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਰਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਲਾਲਾ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਰਾਈ ਸ਼ੈਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਦਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕੁਛ ਸਮਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਗਏ,
ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਚਾਨਕੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਤਰਾਅ ਚੜਾ ਬਹੁਤ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਾਈ ਜੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਸ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕੋ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਹਿ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਬੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੰਗਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਗਿਣਾਏ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੈਨੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿੰਗਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਇਸ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਨੇ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ SJIN ਸਭਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਜੈਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜੈਨ ਧਰਮ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੱਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਆਰਤੀ ਹੋਈ। ਵਿਸ਼ਨੁ ਮੰਗਲ ਅੰਗਲ ਜੀ, ਮੰਗਲ ਪੁਨਿਕਾਕਸ਼ ਮੰਗਲ ਯਤਨੋ ਹਰੀ। ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਹਰੇ ਸਵਾਮੀ ਜੈ ਦੀਨਾਨਾਥ ਹਰੇ।
भक्त जनों के संकट दास जनों के अभिगुण बंसी वल दूर करे ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन को स्वामी दुख बिन से मन को सुख संपत्ति घर आवे सुख आनंद घर आवे कष्ट मिटे तन को ओम जय जगदीश हरे। मावत पिता तुम मेरे शरण रहो किसकी स्वामी शरण पढ़ो किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आशी करूं मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे। तुम होवे कय गोचर सबके प्राण पति स्वामी सबके रक्ष पति किस विध मिलो मैं दयालो किस विध मिलो मैं कृपालो तुमसे मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरितम ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया कर चरण लगाओ द्वार परम तेरे ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बैठाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन जन सेवा ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी रटत हरि हरि स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भजन जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अभिगुण बंसी वल दूर करे ओम जय जगदीश हरे। ओम त्वमेव मातो च पितो त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखो त्वमेव त्वमेव विद्याविघ्नं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवो गर्भोरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रभारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओमनादि विष्णो देवे
शंख चक्र गदाधर अक्षय कुंडलिकाक्ष जीव मोक्ष वरदो भव देवता भयभीति भयश्च महायोगी विवेच है नमः स्वाहायै श्रद्धायै नित्यमेव नमो नमः ओम शांताकारं भुजगशयनां मधुनाभं श्रेष्ठं विश्वाधारं गगनसदृशं एकवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथं ऊंच नीच को तारा तुमने कृपा सिंधु मुरारी शरण पड़े की लज्जा राखो शावरी अतिधारी शरण पड़े की लाज है तुम राखो जगदीश दोनों भुजा पसार कर धरो चरण में शीश बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय गरुड़ जी बोले की जन ओम शांति 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 मिला तो पूछ गया